हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लिब्रा कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है लिब्रा कैल्क की। क्या सीखेंगे, क्या खास है आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पे, आप देख लीजिए। यहां पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है, आगे टू लिखना है, सम का फॉर्मूला लगाइए, 5.9 दीजिए, आंसर क्या आएगा, तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल बोर्ड मास का रूल नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको का को पहले काटिए वाला भी रूल नहीं लगाना है, आपको सिंपली 5 में 9 को ऐड कर देना है पहले, और ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप 5 में 9 को ऐड कीजिए ना, तो 9 और 5 14 होता है, और 14 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 ही आने वाला है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से, PROTUCT। आपको टैब बटन नहीं प्रेस करना, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2 लिखिए, कॉमा दीजिए, सम का फॉर्मूला लगाइए, और फिर यहाँ लिखिए 5.9, बस आपका आंसर आने वाला है और ये आगे, ठीक है। चलिए थोड़ी सी चेंजिंग इसमें कर देते हैं। इज इक्वल टू प्रोडक्ट लगाते हैं कुछ इस तरीके से, ये प्रोडक्ट लगा दिया हमने, ब्रैकेट को ओपन किया, यहाँ पे 2 ही लिखता हूं, या आप नंबर चेंज भी कर सकते हैं। चलिए आगे के नंबर्स को चेंज करते हैं, ये लिखा मैंने सम, और फिर यहां कर देता हूं 10.2। ओके, तो अभी ये क्या करेगा, 10 में 2 को जोड़ देगा यानी 12 हो जाएगा, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 24 आना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं क्या आता है। करेक्ट आंसर इज वेरी राइट। तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला काम करेगा। आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।